सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले के खिलाफ आज कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। इसके अलावा बसपा और आरजेडी जैसी पार्टियों ने भी इस बंद का खुला समर्थन किया है। दरअसल दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर ये बंद बुलाया है। दलित और आदिवासी संगठनों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए न्याय और समानता के अलावा कई सारी मांगों की एक लिस्ट जारी की है। इधर भारत बंद का दिन की शुरुआत से असर देखने को मिला। राजस्थान की बात करें तो यहां राजधानी जयपुर में भारत बंद का असर पूरी तरह से दिखाई दिया। सभी दुकानें बंद रहीं, सड़कों पर लोग निकलने से बचते रहे। जयपुर के अलावा सूबे के 13 जिलों में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बंद रखे गए। भरतपुर संभाग में इंटरनेट बंद कर दिया गया। हालांकि दवाइयां, दूध और मेडिकल से संबंधित जरूरी सेवाओं को इस बंद से दूर रखा गया है। इधर बिहार की बात करें तो बिहार में बंद का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। आरा और दरभंगा में ट्रेनें रोकने की खबरें मिली हैं। आरा के मैसूर रानी कमलापति सहरसा ट्रेन को रोक कर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आरपीएफ और जीआरपीएफ पुलिस मूक दर्शक बनी रही। वहीं बिहार के ही जहानाबाद, सहरसा और पूर्णिया में प्रदर्शनकारियों ने हाईवे जाम करके विरोध जताया। कई शहरों में नारेबाजी और प्रदर्शन का सिलसिला आज सुबह से अब तक जारी है। इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्कूलों को एहतियातन बंद रखा गया है, जबकि उज्जैन में प्रदर्शनकारी और दुकानों के बीच झड़प हो गई, बहस हो गई और मामला काफी गर्मा गया। आपको ये बता दें कि कोटे के भीतर कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने कई मांगों की एक सूची जारी की है, जिसमें अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए न्याय और समानता की मांग शामिल की गई है। ये संगठन एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर संसद के एक नए अधिनियम की भी मांग कर रहे हैं, जिसे संविधान की 9वीं अनुसूचित में शामिल करके संरक्षित किए जाने की मांग है। भारत बंद कर रहे संगठनों ने सरकारी सेवाओं में एससी, एसटी, ओबीसी कर्मचारियों के जाति आधारित डेटा को भी तत्काल जारी करने की मांग की है, ताकि उनका सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा समाज के सभी वर्गों से न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों की भर्ती के लिए एक भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की भी मांग रखी गई है, जिसका लक्ष्य हायर जुडिशियरी में एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों से 50% प्रतिनिधित्व लेना है। केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरने का भी आह्वान किया गया है। तो अब भारत बंद का असर पूरे दिन भर में कितना रह पाता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। आप जुड़े रहिए पत्रिका डिजिटल के साथ।